नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी हमें 20% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। दोस्तों, पहले ये गिरावट 2-3% के आसपास हुआ करती थी, थोड़ी सी रिकवरी भी आई थी, उसके बाद ये गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो 20% जाती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह है हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट। आज आप कोई भी अदानी का शेयर देखोगे तो उसमें आपको एक भारी सी गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो अदानी एंटरप्राइजेस, वो भी 9% तक गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। उसके बाद 20% तक ये शेयर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अदानी पोर्ट को बाय करके चलना चाहिए, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आज के दिन की बात करें तो उसमें साफ साफ बोला है कि हाँ जी हाँ, हमने आप पे एलिगेशन लगाई है, 88 एलिगेशन लगाते हुए देखने को मिले हैं। उसमें सीधा सीधा बोल दिया कि अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो हम पे केस कीजिए, हम अपने जो हमारे पास पूरे दस्तावेज है, जो हमारे प्रूफ है, वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जो गिरावट हमें 3-4% के आसपास देखने को मिलती थी, इतने बड़े बयान के बाद वो हमें 20% जाती हुई देखने को मिल रही है। कोई भी अदानी का शेयर देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम आपको 20-20% की गिरावट देखने को मिली है आज की उस रिपोर्ट के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अदानी पोर्ट बाय करना चाहिए, तो मैं दोस्तों आपको इस टाइम में कोई भी शेयर बाय करने के लिए मना करूंगा अदानी पोर्ट से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये आरोप इतना बड़ा है और उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट निकल के आना उसमें, और उसके बाद और गिरावट देखने के बाद मैं आपको ये बोलूंगा जल्दबाजी में बाय मत कीजिए ये शेयर। अगर आप इस लेवल पे भी सस्ते के चक्कर में आप इस शेयर को अभी भी बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो कल भी ये शेयर आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग पूरा अदानी ग्रुप पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है। उन्होंने सीधा सीधा बोला है हमने शॉर्ट किया है, अगर आपको लगता है कि हमारी जो शॉर्टिंग है, जो हमने बयान दिया वो गलत है, तो आप हम पर केस कर सकते हैं। इतने बड़े बयान के बाद 20-20% हर स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला। उसके बाद इंडिया का PSU बैंक भी नीचे जाता हुआ देखने को मिला, क्योंकि बैंकिंग, क्योंकि अदानी पोर्ट ने PSU बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन उठा के रखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आप देखोगे तो वो भी 4-5% के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं जाते जाते यही बोलूँगा, सस्ते के चक्कर में आप इस शेयर को बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ से भी एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। पहले एक अदानी जी की क्लैरिफिकेशन आने दीजिए उस पर ये क्या करेंगे, उसके बाद शेयर को बाय करके चलिए। लेकिन जिस हिसाब से हिंडनबर्ग ग्रुप का पूरा पूरा कहना है कि हमारी जो 88 एलिगेशन है, उसके बाद देखा जाए तो आप कोई भी अभी तो आप अभी कोई भी अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी स्टॉक बाय करके मत चलिए। ये गिरावट आपको और भी देखने को मिल सकती है जब तक क्लैरिफिकेशन आती हुई नहीं देखने को मिलती अदानी ग्रुप की तरफ से। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा।